अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जैज़ के सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं बाहर किसी मुल्क में, या आप किसी बाहर के मुल्क में बैठे हैं, आपको बैरून मुल्क काफ़ी अर्सा हो गया गए हुए और आपके पास जैज़ की सिम है, आप उसको इंटरनेशनल करना चाह रहे हैं, तो यार आप अपनी सिम को बिल्कुल इंटरनेशनल कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखते रहें, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट करके अपनी सिम को चला लें। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो एक बात बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में तीन तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी जैज़ के सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आप अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो आप अपनी सिम को इस कोड के ज़रिए इंटरनेशनल रोमिंग पर एक्टिवेट करते रहें ताकि आप बआसानी बाहर के मुल्क में जाकर अपनी सिम को चला सकें। तो आपने कोड कौन सा डायल करना, *7626#, ये कोड डायल करके बिल्कुल फ्री में आप अपनी सिम पर, जैज़ की सिम पर इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जैसे ही मैंने कोड डायल किया तो आपके पास देखें लिखा वो आ चुका है, और अगर आपने यहाँ पर इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पर 3 प्रेस करें, और अगर आपने डीएक्टिवेट करना है तब भी 3 प्रेस करें, और अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग के बंडल्स एक्टिवेट करने हैं वर्ल्ड वाइड तो आप 1 प्रेस करें, और यहाँ पर सऊदीया बंडल्स को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर 2 प्रेस करें, और IR की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप 4 प्रेस करें। तो आप इस तरीके से अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आप ईमेल के ज़रिए अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और ईमेल पे आपने क्या लिखना है, अपने जीमेल पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपने कंपोज़ करना है ईमेल। एक कंपोज़ किया आपने, जैसे ही कंपोज़ किया उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा है जिस ईमेल एड्रेस पर आपने मेल भेजनी है वो ईमेल एड्रेस लिखें। तो यहाँ पर मैं वो ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है businesscare@jazz.com.pk। तो ये इस पर मैं एक मेल छोड़ देता हूँ। लोग दूसरे ईमेल एड्रेस पर मेल करते हैं लेकिन उससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, तो वो फिर वेरिफिकेशन में ही आपकी 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। तो आप जो है वो इस ईमेल एड्रेस पर मेल करेंगे, आपकी सिम बिल्कुल जल्दी इंटरनेशनल हो जाएगी। तो आपने यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है एक्टिव द इंटरनेशनल रोमिंग। यहाँ पर आप इंटरनेशनल रोमिंग लिखेंगे, कंपोज करेंगे ईमेल, यहाँ पर ईमेल में लिखना है आपने नाम, CNIC नंबर, और नीचे फ़ोन नंबर CNIC नंबर, और उसके बाद यहाँ पर सिम नंबर लिख दें आप यहाँ पर, और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर लिख दें कि इस नंबर की इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट कर दीजिए और इस ईमेल को आप सेंड कर देंगे। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे भी सिम इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट करवा सकते हैं। हम 1 घंटे के अंदर आपकी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हम सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।